लीजिए देखिए बिहार में शराबबंदी को ठेंगा दिखाने वाला एक और वीडियो। होली के बाद ना जाने कितने ऐसे वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिसमें बिहार की शराबबंदी को लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। प्रशासन के नाक के नीचे ना जाने कितने ऐसे कार्यक्रम किए गए जहां खुलेआम शराब पीकर लोग अश्लील गाने पर नाचते हुए दिखाई दिए हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी देखिए किस तरीके से तमंचे जैसा हवा में लहराते हुए ये लोग शराब की बॉटल लेकर अश्लील गाने पर नाच रहे हैं। अब इससे तो ये साफ पता चलता है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ नाम की है। बिहार में शराबबंदी नहीं बल्कि शराब महंगी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि ये दृश्य गया जिले के डुमरिया प्रखंड का है जहां मेगरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा गया यानी कि 2 तारीख को, जिसमें एक शख्स को ऑर्केस्ट्रा में एक औरत के साथ अश्लील गाने पर खुलेआम दारू पीकर नाचते हुए देखा जा सकता है। और इससे ये साबित होता है कि शराब बंदी नहीं बल्कि शराब केवल महंगी हुई है। और हद तो तब हो गई जब एक तरफ सरकार अश्लील गाने पर रोक लगाने की बात करती है, किसी भी वाहन में अश्लील गाने नहीं बजाने की बात करती है, तो वहीं समाज के बीच इस तरह के अश्लील गाने ना सिर्फ बजाए जा रहे हैं बल्कि उनके ऊपर अश्लील ठुमके भी लगाए जा रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार के शराबबंदी की धज्जिया उड़ाते हुए। देखिए ये लोग बिना किसी डर के कैसे शराब की बॉटल को लहराते हुए दारू पी रहे हैं, वो भी एक बॉटल से कई लोग पी रहे हैं और इसी बीच अश्लील गाने पर ठुमके भी लगाए जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार की शराबबंदी की सच्चाई है जो बिहार के हर जिले से सामने आ जाती है। और जिस तरीके से होली के बाद ऐसे वीडियो सामने आए हैं, नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल तो खुली चुकी है। पूर्ण रूप से शराबबंदी के 5 साल बीत जाने के बावजूद भी इस तरह के वीडियो सामने आना नीतीश कुमार के शराबबंदी की नाकामियों को दिखा रही है।